जय हिंद अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है बीओई एग्जाम 2016 में न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल में इनहेरेंट मॉइस्चर और एस कंटेंट दिया गया था। उसके ऊपर से आपको कोल की ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि GCV और यूजफुल हीट वैल्यू UHV जो शॉर्ट फॉर्म है उसका वो प्राप्त करना था। ये न्यूमेरिकल 5 मार्क का पूछा गया था। तो हमारा ये वीडियो आप देखिए और ये वीडियो पावर प्लांट में जो जॉब करते हैं उनके लिए जरूरी है। अब हमारे देश में कोल को अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया है और अलग पैरामीटर देख के किया गया है। तो कोल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल। अब ये जो कोकिंग कोल है उसको अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया है उसके एस कंटेंट के मुताबिक। अब जो नॉन कोकिंग कोल है उसको अलग अलग ग्रेडिंग दिया गया है बेस्ड ऑन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि GCV। और लास्ट में जो सेमी कोकिंग कोल अथवा तो वीकली कोकिंग कोल, अब उसको जो अलग अलग ग्रेड दिया गया है वो 2 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किया गया है। उसके कोल में एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो ये आप समझ गए। अब जो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है ये आपके सामने डेटा दिया गया है, एस परसेंटेज दिया है, इनहेरेंट मॉइस्चर दिया है, टोटल मॉइस्चर दिया है। तो ये 3 वैल्यू दिया गया है उसके आपको यूज करके कोल की यूजफुल हीट वैल्यू और GCV फाइंड करना है। तो ये जो आपके सामने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो UHV इक्वल टू 8900, ये कांस्टेंट है 8900, माइनस 138, ये भी कांस्टेंट है 138 वैल्यू, ब्रैकेट एस परसेंटेज प्लस इनहेरेंट मॉइस्चर परसेंटेज ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आपको एस परसेंटेज और इनहेरेंट मॉइस्चर दिया गया है जो न्यूमेरिकल में। तो ये आप फॉर्मूला सोल्व करोगे तो यूजफुल हीट वैल्यू ऑफ द कोल आपको मिल जाएगा वो यहाँ पे 2966 किलो कैलोरी पर केजी प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है 2966 किलो कैलोरी पर केजी, इसका यूनिट है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है आगे देखते हैं। अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV, तो उसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आपको यही लिखना है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन हैव बीन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि सीधी भाषा में समझिए, ये जो आपका फ्यूल है उसको जलाने से कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जाए और जो हीट रिलीज होती है उसको ठंडा करने से रूम टेम्परेचर पे जो आपको वैल्यू मिलता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब ये GCV जो फॉर्मूला है आपका, GCV इक्वल टू यूजफुल हीट वैल्यू प्लस 3645 माइनस 75.4 इंटू टोटल मॉइस्चर परसेंटेज। GCV इक्वल टू 2966 जो आगे हमने कैलकुलेट किया था, प्लस 3645 माइनस 75.4 इंटू 13% जो गिवन डेटा है ये हमने
गिवन डेटा से लिया है, ये हमने प्राप्त किया है, ये कॉन्स्टेंट है। अब GCV इक्वल टू फाइनल आंसर जो मिल रहा है 3841.61 किलो कैलोरी पर केजी, ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।